हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए मॉक टेस्ट 21 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 21 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 21 का जो है आपकी स्क्रीन पे है। एस ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज ए पोटेंशियल। बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकती, इसलिए स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को पॉलन मदर सेल या पीएमसी के नाम से जाना जाता है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी गिवेन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहला देखिए, टू ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये भी सही स्टेटमेंट है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द सेकेंड मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लोइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, ये गलत है बेटा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बेटा होती है उसमें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उससे दो इक्वल हैप्लोइड सेल बनती है जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, तो ये तो गलत है। अब डी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यूथिका, दे आर कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। बेटे जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो जब ग्रेनुलोसा सेल और थीका से कवर होती है तो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती है, तो यहाँ प्राइमरी होना चाहिए और यहाँ पर सेकेंडरी होना चाहिए। तो यानी दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और दो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना, द आईयूडीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप। लिपेज लूप कॉपर रिलीजिंग आयोडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग में एलएनजी 20 और प्रोजेस्टाजर्ट आ जाएगी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आ जाएगी, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375 आ जाएगा, मल्टीलोड 375 और यहाँ पर बेटा जो हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टाजर्ट और एलएनजी 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन आपको दिया गया बेटा कैलस इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, सही है। ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज फास्टर देन सस्पेंशन कल्चर, ये गलत स्टेटमेंट है। कैलस कल्चर में जो ग्रोथ होती है वो सस्पेंशन कल्चर से स्लो होती है। अब एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया तो याद ही करना पड़ेगा। इन कैलस कल्चर इफ हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो इज मेंटेन्ड देन रूट आर फॉर्म, बिल्कुल ऑक्सीजन अगर ज्यादा तो रूट बनेंगी और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो सूट का फॉर्मेशन होगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका। तो इनकरेक्ट केवल यहाँ पर बी स्टेटमेंट है। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन, बेटा जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है उस पर हम इस चीज का ध्यान देते हैं कि जो फॉडर है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें मैटर करती हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें चारे की मैटर करती हैं। अगर चारा अच्छा होगा कैटल के लिए तो मिल्क का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज, बेटा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशेंसी से होती, एडीए डिफिशेंसी की वजह से स्किड नाम की डिजीज होती बेटा, और इस बीमारी में जब जीन थेरेपी की जाती है तो वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हैं और अगर रेट्रोवायरस नहीं दिया गया तो आप एडिनोवायरस आंसर कर सकते हैं। देखिए प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम का हम यूज कर सकते हैं, उसके टीआई प्लाज्मिड का, और एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
इकोलॉजिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. बेटा टेम्परेचर इकोलॉजिकली सबसे रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा विच पिगमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ विजन. तो बेटा विजन के लिए आपको बताया गया रोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में. और जो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट है बेटा उसमें ऑप्सिन और रेटिनल दोनों होते हैं. यानी आपका आंसर होगा बोथ ऑप्शन एंड रेटिनल. सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनवेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. इंडिया के हिसाब से कौन सी एलियन स्पीसीज का एग्जाम्पल है बेटा. तो यहाँ पर लेंटेना भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है. पार्थेनियम कैरेट ग्रास और आईकॉर्न यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. तीनों ही एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जाम्पल है. बायोडाइवर्सिटी में आपको दिया गया है. द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो इज यूज टू रिमूव विच टाइप ऑफ पोल्यूशन. बेटा जो डायग्राम आपको दिया गया है इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको दिखाया गया है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 बेटा पूछा गया मैच द कॉलम. तो सबसे पहला यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हम करते हैं. फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल या कोयले को जलाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से और एरोसॉल स्प्रे की वजह से रिलीज होता है. मीथेन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो मीथेन कैटल रेंचेस से, राइस फील्ड से और टॉयलेट से रिलीज होता है. ओजोन की बेटा बात करें तो ओजोन के बारे में आप जानते हैं, ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट फ्रॉम कार एग्जॉस्ट. और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल. तो बेटा जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट प्रोवाइड ए प्रोडक्ट दैट इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल. तो बेटा स्फैग्नम की अगर हम बात करें तो स्फैग्नम से पीट ऑब्टेन किया जाता है और इस पीट का यूज फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे किया जाता है. इसलिए स्फैग्नम को पीट मॉस कहा जाता है. पैरेन्काइमा इज यूजली प्रेजेंट इन. बेटा पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ आपको मिलेगा चलिए देखते हैं. पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स के अंदर आपको मिलेगा. फ्लोएम फाइबर में बेटा पैरेन्काइमा आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको दूसरे तरह के स्क्लेरेन्काइमा या कॉलेन्काइमा टिश्यू मिलेंगे. खास तौर से स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होते हैं ये. पेरिसाइकिल के अंदर आपको पैरेन्काइमा मिलेगा. पिथ में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. हाइपोडर्मिस की बेटा बात करें तो हाइपोडर्मिस कॉलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है. मेडुलरी रेस की बात करें तो इसमें पैरेन्काइमा सेल होती है. जाइलम फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जाइलम फाइबर में देखिए डेड टिश्यू सेल पाई जाती हैं और पैरेन्काइमा लिविंग सेल है. यानी पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर में नहीं होंगी और मेसोफिल टिश्यू जो होता है लीफ में वो पैरेन्काइमा सेल होती है. तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर करेक्ट हो. फ्लोएम फाइबर में आपको मैंने क्या बताया स्क्लेरेन्काइमा कॉलेन्काइमा नहीं यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल पाई जाती हैं. हाइपोडर्मिस में या तो कॉलेन्काइमा सेल होंगी या फिर स्क्लेरेन्काइमा होंगी. अगर डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस है तो कॉलेन्काइमा होगी. मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस है तो वहां पर स्क्लेरेन्काइमा होगी. तो ये बहुत बढ़िया सवाल है. इस सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड सेल ऑर्गेनेल बेटा पर ऑक्सीसोम होता है. एक कैरियोटाइप इज यूज्ड टू स्टडी. बेटा कैरियोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो कैरियोटाइप में जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं. इसके अलावा कैरियोटाइप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ द आर्म और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इनकी स्टडी करते हैं. पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम को छोड़कर बाकी सारी स्टडीज यहाँ पर करते हैं. तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा. Which of the organism show mitotic division in both haploid and diploid cell? बेटा अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह की सेल में होती है. और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे मेल हनी बी की बात करें तो वहाँ पर हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो सकती है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका प्लांट हो जाएगा. और ये लेटेस्ट अभी क्रैश कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में. क्वेश्चन नंबर 17 ए सेल अंडरगोज माइटोसिस इन 30 मिनट.
Find the number of cell produced after 24 hours if initially 10 to power 5 cell are present. तो बेटा एक सेल 30 मिनट में डिवाइड करती है ना, और 24 घंटे का टाइम दिया गया है, तो अगर आधे घंटे में सेल एक बार डिवाइड करती है तो 24 घंटे में सेल 48 टाइम डिवाइड करेगी। तो अगर इनिशियली 10 टू पावर 5 सेल होंगी तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे के बाद 48 डिवीजन होने पर जो सेल का नंबर है 2 द पावर 48 इंटू जो इनिशियल सेल है इतनी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 22.4 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का 22.4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अब अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बेटा, ये तो 1 मोल का दिया है, अगर 0.1 मोल का हम निकालेंगे तो 0.1 मोल का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.24 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है, और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दोनों की वैल्यू बराबर होती है, साइन अपोजिट होता है। तो अगर 0.1 मोलर का सुक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.24 एटमॉस्फेयर है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल -2.24 एटमॉस्फेयर या बार हो जाएगा। तो यहां पर वैसे भी आप कर सकते थे कि एक ही ऑप्शन माइनस में दिया गया था। अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछा गया है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो निगेटिव होगा, और एक ही ऑप्शन में निगेटिव है तो आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, आपको सीधे आंसर निगेटिव वाला कर देना है। How many ATPs will be produced during the production of one molecule of acetyl coenzyme from one molecule of pyruvic acid? बेटा जब pyruvic acid से acetyl coenzyme A का formation होता है तो उस दौरान एक NADH का production होता है, और जो एक NADH है बेटा ये ETS के दौरान 3 ATP का production करेगा, तो इसका मतलब आपका correct answer 3 ATP हो जाएगा। टू इम्पॉर्टेंट इंट्रिंसिक कंट्रोल विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। इंट्रिंसिक कंट्रोल बेटा पूछ रहा है, तो इंट्रिंसिक कंट्रोल में कौन आ जाएगा, PGR आ जाएंगे और जीनोमिक कंट्रोल आ जाएगा, यानी आंसर आपका सी होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और जीनोमिक कंट्रोल दोनों ही इंट्रिंसिक कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल में कौन होता है, टेम्परेचर, वाटर, ये सारे एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और जीनोमिक कंट्रोल इंट्रिंसिक कंट्रोल होते हैं। A unique vascular connection that exists between digestive tract and liver is commonly called digestive tract और liver के बीच का जो connection है इसे portal system कहते हैं, और actually ये है hepatic portal system, इसे hepatic portal system या hepatic portal circulation के नाम से जाना जाता है। How much blood is filtered by the human kidney in 1 minute? Human kidney 1 minute में 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो ऑप्शन यहां पर 1100 आपको दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। Which of the following sphincter guard the opening of stomach into the duodenum? स्टमक की ड्यूडेनम में जो ओपनिंग होती है इसको गार्ड करने के लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, जबकि इसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की बात करें, जब हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन करती है ड्यूडेनम में तब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये गलत है बेटा। ये केमिकल सिनेप्स के लिए सही, केमिकल सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब इम्पल्स कंडक्शन अकर एट फास्टर रेट, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमेशा केमिकल सिनेप्स से फास्ट होता है। प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट सिनेप्स, ये भी सही है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सही है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। ये केमिकल सिनेप्स के लिए तो सही, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए गलत, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ FSH इन फीमेल।
FSH क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फीमेल में क्या करता है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, इसीलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू? पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है पार्स नर्वोसा स्टोर एंड रिलीजेस टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन, मतलब एडीएच, बिल्कुल सही है। पार्स नर्वोसा का मतलब बेटा ये हुआ कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और एडीएच को स्टोर करता और रिलीज करता है। मेलेटोनिन इन्फ्लुएंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल मेलेटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये गलत है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। आफ्टर ओलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू मैकुला ल्यूटिया, नहीं, ओलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो ये भी गलत है। यहाँ मैकुला ल्यूटिया लिखा, कॉर्पस ल्यूटिया होना चाहिए था। तो यहाँ पर ट्रू कितने स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट ट्रू है और दो ट्रू नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा आपसे पूछा था एंजाइम मिसिंग इन फिनाइल किटोन्यूरिया। फिनाइल किटोन्यूरिया बेटा एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहां पर एक एंजाइम की कमी होती है जिसे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कहा जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व ए बैक्टीरियोफेज। बेटा बैक्टीरियोफेज एक्चुअली बैक्टीरियल वायरस है, और अगर हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज या जो वायरस है बैक्टीरियल वायरस, इसके द्वारा डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ, बेटा ब्लाइंड सैक का जो बॉडी प्लान है वो सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथ के मेंबर में प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथ में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है कि बॉडी कैविटी में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। पहला ऑप्शन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लार्वे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन इंट्रोड्यूस टू, बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये ओजोन लेयर डेप्लीशन को रोकने के लिए कनाडा में साइन किया गया था 1987 में, और 1989 से ये इफेक्टिव हुआ था। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है जो जापान में साइन किया गया था और 1999 से एप्लीकेबल हुआ था। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्मेज, बेटा एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और ट्रिप्लॉयड होता है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बेटा हाइब्रिडोमा सेल से किया जाता है, इसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कोहलर और मिलस्टीन के द्वारा इस टेक्निक को डेवलप किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया है इंस्पेक्शन में लेकिन एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए उनके साइज के अकॉर्डिंग, बायोटेक में अभी जल्दी ही मैंने आपको पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन, बेटा आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में है ना। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का पार्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। सेलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग, पहला है कॉन्ड्रिक्थिस प्लेकॉइड स्केल, बिल्कुल सही बेटा। कार्टिलेजिनस फिशेज में प्लेकॉइड स्केल होते हैं। कोलंबा में लिखा डायफ्राम, गलत है, कोलंबा बर्ड और बर्ड में डायफ्राम नहीं होता है। डायफ्राम इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द मैमल। बेलनोग्लॉसस प्रोबोसिस ग्लैंड, बिल्कुल सही, बेलनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा के मेंबर हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। लिमुलस काइटिनस क्यूटिकल, बिल्कुल बेटा अगर हम लिमुलस की बात करते हैं तो किंग क्रैब है बेटा ये इंसेक्ट, और इंसेक्ट में काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता, तो यहाँ पर बी इनकरेक्ट मैच हो जाएगा।
जीनस ऑफ चिटन ए मोलस्केज। बेटा चिटन का जो जीनस होता है इसे चीटो प्लूरा कहते हैं और ये एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया गया है। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इज लाइंड विद, स्टमक की जो म्यूकोसा होती है बेटा उसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमिनर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमिनर एपिथीलियम, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में ही सिंपल कॉलमिनर एपिथीलियम पाई जाती है। वैसे इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पर ब्रस बॉर्डर कॉलमिनर एपिथीलियम पाई जाती है, और ग्लैंडुलर इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो एंजाइम को सिक्रीट भी करती हैं। इन रोटिफर सिंगेमी इज एबसेंट, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन दिस ऑर्गेनिज इंस्टेंट। बेटा रोटिफर में आपको एनसीईआरटी में दिया गया पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर सेक्रेड ग्रो फाउंड। बेटा सेक्रेड ग्रो की बात करें तो ये सेक्रेड ग्रो जो हैं ये एनसीईआरटी में आपको दिए गए इन सीटू कंजर्वेशन मेथड के एग्जाम्पल हैं। खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय ये सही है, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान ये भी सही, सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, और ये सभी सेक्रेड ग्रुप के पवित्र स्थल के एग्जाम्पल हैं। विच सेट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन वर डिस्कवर्ड बिफोर एप मैन। बेटा जावा एप मैन की अगर हम बात करें तो उससे पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस की खोज हुई थी। तो एप मैन का मतलब जावा एप मैन से पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लोएम सैप इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। बेटा फ्लोएम सैप मेनली बना होता वाटर और सुक्रोज से। वाटर और सुक्रोज फ्लोएम सैप को बनाते हैं, वाटर और मिनरल जो होते हैं इसे जाइलम सैप कहा जाता है। दिस इज जाइलम सैप। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर नोन टू बी इनवॉलंटरी ब्रांच्ड एंड स्ट्रिएटेड। इनवॉलंटरी ब्रांच्ड और स्ट्रिएटेड मसल के बारे में आपसे पूछा गया बेटा, तो कार्डियक का नेचर होगा। कार्डिक इनवॉलेंट्री भी हैं, ब्रांचिंग भी होती है और स्ट्रिएशन भी पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ईकोलाई। बेटा ईकोलाई देखिए, हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करता है, ईकोलाई में रेस्पिरेशन का काम मेजोसोम करते हैं, तो ये मेजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉगस स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाई ओनली सिंगल कोडॉन। बेटा अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन के लिए केवल सिंगल कोडॉन होता है, दैट इज UGG, एक ही कोडॉन के द्वारा ये कोड होती है। टायरोसिन के लिए दो कोडॉन होते हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए दो कोडॉन होते हैं और आइसोल्यूसिन के लिए तीन कोडॉन होते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन के लिए सिंगल कोडॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड येलोइंग ऑफ लीफ इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ इन द एटमोसफियर। अगर एटमोसफियर में SO2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, पत्तियाँ समय से पहले गिरने लगेंगी और पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। तो ये आपको याद करना है बेटा क्योंकि NCERT में मेंशन नहीं किया गया है। वॉट इज करेक्ट अबाउट द एनल सिराई इन कॉकरोच। कॉकरोच में एनल सिराई के लिए आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इमर्ज आउट फ्रॉम द 10th सेगमेंट इन बोथ द सेक्सेस। बिल्कुल सही बेटा, मेल और फीमेल दोनों ही कॉकरोचेस में एनल सिराई पाई जाती हैं और 10th सेगमेंट से अराइज करती हैं। केवल मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड कंटेन माइक्रोविलाई। क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद माइक्रोविलाई ये पाई जाती है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। PCT रीजन में क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद माइक्रोविलाई और DCT रीजन में क्यूबॉइडल एपिथीलियम विदाउट माइक्रोविलाई पाया जाता है। तो यहां पर अगर पूछता कि नॉट कंटेन माइक्रोविलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड नॉट कंटेन माइक्रोविलाई, तो आपका आंसर डी होता। कंटेन माइक्रोविलाई तो आपका आंसर सी हो गया। विच सब्सटेंस इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन इन गट। तो पहला सोडियम एक्टिव एब्जॉर्प्शन सही है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये भी सही है, क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन ये भी सही है, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये गलत आपको दिया गया है। ज्यादातर अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो एक्टिव होता है, तो यानी डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। NCERT में इस तरीके से आपको डिविजन नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर mRNA सिंथेसाइज्ड इन ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट का मतलब यूकैरियोट में एमआरएनए सिंथेसिस के लिए आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए, गलत है बेटा। एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, ये सही है। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और जो इंट्रॉन है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो एक्सॉन तो मैच्योर एमआरएनए में अपीयर होते हैं लेकिन इंट्रॉन अपीयर नहीं होते हैं, उन्हें स्प्लाइसिंग के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, इन द लैरिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। बेटा जो एपिग्लॉटिस है ये लैरिंग्स में थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि स्वेलोविंग के दौरान ग्लॉटिस को कवर करने का काम करती है। द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल स्ट्रक्चर। बेटा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो न्यूरल कैनाल है वहां से पास होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनाल होती है उसे सेंट्रल कैनाल के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर सो कैरियोटाइप ऑफ 47 क्रोमोसोम XXY। तो बेटा XXY कंडीशन पाई जाती कहां पर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल है। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वैलिन। तो बेटा ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है GAG और वैलिन के लिए कोड करता है GUG। तो GAG रिप्लेस्ड बाय GUG, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सो बेटा जीन के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा होगा और डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डिस्टेंस बिटवीन जीन और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है और अगर हम डिस्टेंस ऑफ जीन और लिंकेज की बात करें तो उनमें इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जीन के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम हो जाएगा। इन ह्यूमन ब्रेन द सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू। बेटा सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन से पास होती है, इसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहा जाता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट को एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के नाम से जाना जाता है और ये मिड ब्रेन से पास होती है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। विच सेट ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटोकॉर्डेट। बेटा प्रोटोकॉर्डेट में हम इंक्लूड करते हैं साल्पा, डोलियोलम, ब्रेंकियो, स्टोमा। तो आपका आंसर ए यहाँ पर होगा। रेसिमोज इन्फ्लोरसेंस इज ऑब्जर्व इन द फैमिली। बेटा रेसिमोज इन्फ्लोरसेंस फेबेसी में पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। बाकी जो सोलेनेसी है इसमें सोलेनम में साइमोज इन्फ्लोरसेंस है, लिलिएसी में आपको अम्बिलेट क्लस्टर दिया गया, अम्बिलेट साइम दिया गया, तो साइम भी साइमोज का ही मॉडिफिकेशन होता है। द स्टेम विद बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल एंड फ्लावर विद सिलेंड्रस कंडीशन इज फाउंड इन। तो बेटा बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल पिछले मॉक टेस्ट मैंने बताया था कुकरबिटेसी में पाया जाता है और इनके फ्लावर में सिलेंड्रस कंडीशन भी पाई जाती है। सिलेंड्रस का मतलब होता है कि जो स्टेमेन होते हैं बेटा उनके एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होते हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। बेटा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी में जो जेजी सेल पाई जाती हैं, जेजी सेल के द्वारा रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन होता है। रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस में यानी RBC के फॉर्मेशन में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछा कौन सा गलत है, देखते हैं। मियोसिस वन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सही है। मियोसिस सेकेंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ वन स्पर्म एंड थ्री पोलर बॉडी, नहीं बेटा चार स्पर्म बनते हैं, पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं ऊजेनेसिस में बनती, ऊजेनेसिस में एक एग और तीन पोलर बॉडी बनती, तो ये गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर, बिल्कुल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड और स्पर्म हैप्लॉयड होते, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर होगा सी। विच टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन आर्टिफिशियल हैबिटेट। एनिमल की बात कर रहा है, एनिमल को प्रोटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना, तो आंसर आप क्या करोगे, जूलॉजिकल पार्क। बैक्टीरिया दैट आर सेप्रोट्रॉफ बट कैन बी ए पैरासाइट एंड कॉज डिजीज अपॉन इंट्रोडक्शन टू
होस्ट बॉडी आर कॉल्ड एज, बेटा जो बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक नेचर के हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के, लेकिन अगर इनको सड़ी गली चीजें नहीं मिली तो पैरासिटिक भी हो सकते, इन्हें कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। अगर कोई बैक्टीरिया केवल सेप्रोफिटिक फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है, पैरासिटिक नहीं हो सकता, तो उसे ऑब्लिगेट कहेंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफ होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैरासाइट हो जाते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है। एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इंटू टर्सरी फॉलिकल? तो डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम, बिल्कुल, जब टर्सरी फॉलिकल बनती है तो एंट्रम का फॉर्मेशन होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीका लेयर, बिल्कुल, थीका लेयर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड करती है। प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट, ये भी सही है। सेकेंड पोलर बॉडीज रिलीज, ये गलत है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है, तो ये यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, बेटा ऊगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल आपको दिया गया तो ये सही होगा। बाकी जो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा दिए गए, इनमें मेनली आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बोथ पॉलन ग्रेन एंड सीड हैव ए विंग शेप स्ट्रक्चर? बेटा पॉलन ग्रेन भी विंग्ड होते हैं और सीड भी विंग्ड होते हैं, कहाँ पर? पाइनस में। ये आज मैंने जो लाइव सेशन किया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन भी होते हैं और विंग्ड सीड भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आपसे पूछा गया और एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इन क्लोरोप्लास्ट द साइट फॉर इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, क्लोरोप्लास्ट में जो इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है बेटा वो होती है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन चलती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब बेटा आप समझेंगे सिंपली लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां चलती है? ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। अब ग्रेना का मतलब क्या है? ग्रेना थायलाकॉइड से बना होता है और थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ही लाइट रिएक्शन चलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट इज हीम? तो हीम बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कहां पर? परोक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम, ये दोनों आपको एनसीईआरटी में दिए गए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। स्टैनले मिलर गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, विच केमिकल सब्सटेंसेस वर ऑब्टेन्ड बाय हिम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? जब स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या मिली? अमीनो एसिड मिली, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, ये अमीनो एसिड उनको मिली थी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 70, ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? अब ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको पढ़ा है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस बेटा होती है इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज के दौरान ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। Which of the following is not common between facilitated transport and active transport? इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है? तो अपहिल ट्रांसपोर्ट दोनों में कॉमन नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डाउनहिल होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल होता है, तो यही आपका आंसर होगा। हाईली सेलेक्टिव दोनों का नेचर है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट दोनों का नेचर है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों का नेचर है, लेकिन अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट होमोलॉगस ऑर्गन एक्सेप्ट। पहला है, होमोलॉगस ऑर्गन शेयर कॉमन ओरिजिन, सही है। होमोलॉगस ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन, बेटा सेम फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। होमोलॉगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है। एंड मेंबर हैविंग होमोलॉगस ऑर्गन शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। होमोलॉगस ऑर्गन की ऑर्गन का फंक्शन सेम हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन ग्रीन एल्गी, बेटा ग्रीन एल्गी में लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे। वैसे ऑक्सीजन भी ग्रीन एल्गी में प्रोड्यूस होगी, तो अगर ऑक्सीजन भी ऑप्शन में दिया जाएगा तो उसको आप सही मानेंगे।
एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाई द फॉलोइंग सिम्टम, एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड, फीवर, चिल, हेडेक, कफिंग। तो ये जो फीचर आपको दिए गए बेटा ये कहाँ पर मिलते हैं, निमोनिया में। एनसीईआरटी में आपको ये सारे सिम्टम निमोनिया के लिए बताए गए हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर इन टीसीएस साइकिल, बेटा टीसीएस साइकिल में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्टाइल को एंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लास्टिसिटी, बेटा प्लास्टिसिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, लार्क स्पर हो गया, इनमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है। तो एनसीईआरटी में आपको कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर दिया गया, तो एक ऑप्शन यहाँ पर है कॉटन, इसलिए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टमक इन ह्यूमंस, पहला है ईसोफेगस ओपन इन द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, सही है। पेप्सिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, ये भी सही है। रेनिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, ये भी सही है। द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड डज नॉट हैव लाइपेज, ये गलत है। स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक ग्लैंड से लाइपेज का भी सिक्रीशन होता है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट करेक्टली मैच विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला आपको दिया गया अर्थवर्म मॉयस क्यूटिकल, सही है। एक्वाटिक मोलस गिल, ये भी सही है। फ्रॉग में पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सही है। फ्लैट वर्म में गिल आपको बताया गया जो कि गलत है। फ्लैट वर्म की बेटा अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट वर्म में रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फ्रॉम द गिवेन लिस्ट हाउ मेनी आर नॉट एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जैसे आपको सुगर केन बताया गया तो सुगर केन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सुगर केन के जो स्टेम होते हैं जब इनको हम बोते हैं मिट्टी में तो इनसे नए प्लांट बनते हैं। जिंजर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है राइजोम के द्वारा। मेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बार्ली में नहीं होता है, टोबैको में नहीं होता है, पी में नहीं होगा, सनफ्लावर में नहीं होगा, पोटैटो में ट्यूबर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफिलम में लीफ के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपसे पूछा कितने प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो सी आंसर आपका हो जाए। तो काफी बढ़िया सवाल है, इसको अच्छी तरीके से आप कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज बाय, बेटा अमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है, इसे अमीबियासिस के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, तो बेटा एनसीईआरटी में केवल बोरान को मेंशन किया गया है पॉलन जर्मिनेशन के लिए, कैल्शियम भी ऑप्शन में आपको दिया गया है और कोई चॉइस हो नहीं सकती, तो ए आंसर आपको करना पड़ेगा। ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रास हॉपर की बेटा बात करें तो ग्रास हॉपर में एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। मोनेस्कस परप्यूरियस इज यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, बेटा मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन को ऑब्टेन किया जाता है और ये जो स्टेटिन होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। एम्फीटामिन एंड कैफीन आर रिस्पेक्टिवली, बेटा एम्फीटामिन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और कैफीन जो है ये भी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉयड, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें बेटा डिप्लॉयड होंगी, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होती हैं, ओटिड हैप्लॉयड होती हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ एंड बी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन दिया गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड 1 मिलियन इन मे 2000, बेटा 1 मिलियन नहीं यहाँ पर होना चाहिए था 1 बिलियन, मई 2000 में 1 बिलियन को पॉपुलेशन क्रॉस कर जाती है। सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट बोथ आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सही स्टेटमेंट है। सहेलीज वन से वीक पिल हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज एमटीपी एक्ट इन 1971, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मार्क द करेक्ट पेयर, पहला है माइग्रेशन पोलर बियर, ये गलत है, पोलर बियर में माइग्रेशन नहीं होता है। डायापॉड जूप्लैंकटन, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। डायापॉड डेजर्ट लेजर्ड, ये भी गलत है, डेजर्ट लेजर्ड में बिहेवियरल
एडॉप्टेशन होता है। सस्पेंड लोकस्ट में ये भी गलत है, सस्पेंडेड स्टेज जो प्लैंकटन में पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। द अबिंगडन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट ऑन गैलापागोस आइलैंड विद इन ए डिकेड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेटा ये एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन का, ये इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है। द रेडुला इज फाउंड इन एंड हेल्प इन, बेटा रेडुला मोलस्का में पाया जाता है और फीडिंग में मदद करता है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, एनवायरनमेंट की जो लिमिट जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है उसे कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है, और कैरिंग कैपेसिटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो बेटा ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए एनटीए 21 मॉक टेस्ट के, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए और नीट की तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।